अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा वो आज हम आपको बताएंगे। हलवाई जैसी काजू कतली घर पे आसानी से किस तरह बनाएं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए हमें काजू लगेंगे। काजू कतली बनाने के लिए हमें इस तरह के साबित वाले काजू लिए हैं। आप चाहे तो जो काजू टुकड़ा आता है वो भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह के साबित काजू भी ले सकते हैं। हमने 1 कप काजू लिया है। तो हमने काजू कतली बनाने के लिए, अगर आप काजू 1 कप ले रहे हैं तो उसका आधा कप चीनी ले और उसका आधा कप यानी कि 1/4 कप पानी लगेगा हमें, और उसका और आधा कप हमें यानी कि 1/8 कप हमें 1/8 कप मिल्क पाउडर लगेगा। और फिर बाद में हमें काजू कतली हमारी नरम और सॉफ्ट बनाने के लिए जो चीज़ हम उसमें डालेंगे, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून उतना देसी घी डालेंगे जो हम आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम काजू को ग्राइंड कर लेंगे। देखिए काजू को हमने इस तरह से एक कैरी बैग में फ्रीज़र में रख दिया था ऐसे 2 घंटे के लिए। ऐसा करने से हमारे जो काजू कतली का जो पाउडर है वो हमें पीसते वक्त उसका पाउडर अच्छे से पीसे जाता है। फ्रीज़र में रखने से जो इसमें ऑयल होता है वो नहीं निकलता है। अगर हम इसको पीसने से पहले 2-3 घंटे फ्रीज़र में रखें। हम इसे आधा आधा करके इसलिए पीस रहे हैं क्योंकि पूरा एक साथ पीसेंगे तो इसमें से जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाएगा। और पीसते टाइम हम मिक्सर को 2 से 3 बार ऑन ऑफ करते हुए इसको पीसना है, क्योंकि अगर हम एक साथ काजू को पीसेंगे तो इसमें जो ऑयल होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो इसलिए मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए 2 से 3 बार पीस लेंगे। देखिए हमने इस तरह की एक छन्नी लेंगे और इसे काजू के पाउडर को हम छन्नी से छान लेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, क्योंकि हमने इसे ग्राइंड करने से पहले फ्रीज़र में रखने से ये अच्छे से ग्राइंड हुआ, इसमें से ऑयल नहीं निकला है। तो चलिए इसको छान लेंगे। देखिए जो ये मोटा मोटा बच गया था इसको भी हम और वापस से ग्राइंड कर लेंगे, और ये बाकी के काजू को भी और ग्राइंड कर लेंगे, और शक्कर को भी हम बारीक पीस के ले लेंगे। हम 2 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसमें एक तार ना बन जाए तब तक हमें इसे पकाना है। आप भी शक्कर पीस कर डालें। तो चलिए इसको अभी हम एक बार और चेक कर लेंगे इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच। इसमें एक तार की चाशनी बन चुकी है। तो चलिए अब हम फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे। थोड़ा फिल्म को बढ़ा लेंगे हम इसके, और ये अच्छे से सब मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। बस हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाना है। आप टाइमर लगाकर अगर चेक करना चाहते तो आप टाइमर लगा के भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल हमें इसे 1 मिनट ही पकाना है। अगर इसे हम ज़्यादा पका लेंगे तो हमारी काजू कतली जो है तो हार्ड हो जाएगी, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि हमें इसके बैटर को ज़्यादा पकाना नहीं है। देखिए इसमें जो भी लम्स थे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक मिनट हो गए हैं, अब फिल्म को हम बंद कर देंगे वरना हमारा बैटर जलना शुरू हो जाएगा। तो इसे इस तरह ही मिक्स करते हुए हम थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसको निकाल लेंगे। देखिए हमने इसको अब इस तरह से ठंडा कर दिया है। अब इस पे हम घी लगा लेंगे। एक हमने क्लीन वाली फॉइल ले ली है, तो इसे इस तरह के कैरी बैग की शीट पे ही निकाले, बटर पेपर पे नहीं निकाले आप, नहीं तो आपका बैटर उस पे चिपक जाएगा।
क्लीन फॉइल पे निकालने से इसका बैटर चिपकता नहीं, आसानी से इस पे से निकल भी जाता है। ये थोड़ा गर्म है तभी इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसको हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, इधर से भी फोल्ड करते जाएंगे। ऐसा हमें 5-6 बार करना है। ऐसा करने से हमारी काजू कतली में एक शाइनिंग आएगी और वो बहुत ही नर्म और एकदम मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट काजू कतली बनेगी। थोड़ा इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे और इस पर हम एक और केक क्लीन फॉइल लगाकर इसको फिर बेल लेंगे। चारों तरफ से इसको अच्छे से बेल लेंगे, हमें जितनी मोटी रखना है उतने साइज की इसको बेल लेंगे। देखिए बस हमें इतनी ही मोटी रखना है काजू कतली। इससे ये फॉइल को निकाल लेंगे और इस पे जो चांदी का कवर आता है वो लगा लेंगे, सिल्वर कवर। देखिए हमने काजू कतली को इतनी ही मोटी रखा है, आप आपके हिसाब से जितनी चाहे पतली मोटी रख सकते हैं, क्योंकि काजू कतली थोड़ी मीडियम साइज़ की होती है, ना बहुत ज़्यादा मोटी होती है ना बहुत ज़्यादा पतली। तो चलिए अब इसको हम इसके जो कॉर्नर है वो इसको कट कर देंगे। थोड़ी हमने इसको ठंडी होने दिया है, थोड़ा ठंडी करके काजू कतली को कट करने से वो आसानी से कटती है। तो चलिए अब हम इसको जितने साइज में चाहिए हमें उतने साइज की कट कर देंगे। हमने पूरे इस तरह से कट कर लिया है, अब इसको हम खजूर की शेप में कट करेंगे इस तरह से। देखिए हम आपको एक करीब से बताते हैं कि हमारी काजू कतली कितनी अच्छे से परफेक्ट बनी है। तो चलिए अब इसको हम सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए ये हमारी काजू कतली तैयार है। आप इसे ज़रूर घर में बनाएं, कोई भी फेस्टिवल पे या फिर मेहमान आने पर या किसी को गिफ्ट देने के लिए बना सकते हैं आप इसको। और इसको आप बाहर 10 से 15 दिन भी इसे बाहर रखें तो ये ख़राब नहीं होती है। आप इसे सेव करके रखने के लिए कोई भी एयर टाइट डब्बे में इसको रखकर फ्रिज में रख सकते हैं, ये 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होती। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपकी काजू कतली कैसी बनी थी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।